2007 में 21 साल के दिनेश कार्तिक ने अपनी बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से शादी की। ये एक अरेंज मैरिज थी क्योंकि निकिता के पिता और दिनेश के पिता अच्छे दोस्त थे। कार्तिक और निकिता जैसे ही शादी के बंधन में बंधे, दोनों फैमिलीज ने अपनी दोस्ती को अगले लेवल तक ले जाने का फैसला किया। शादी के 5 साल बाद निकिता को मुरली विजय से प्यार हो गया, जो तब तमिलनाडु में कार्तिक के टीम से ही खेल रहे थे। 2012 में तमिलनाडु कर्नाटक के खिलाफ खेल रहा था, जब कार्तिक को अपनी पत्नी के मुरली विजय के साथ अफेयर के बारे में पता चला। जब कार्तिक ने निकिता को डिवोर्स दिया, तब वो एक बेबी बॉय के साथ प्रेग्नेंट थी। निकिता और मुरली विजय ने कुछ ही दिनों में शादी कर ली और तलाक का मामला दोनों पार्टीज ने बहुत जल्दी और चुपचाप संभाल लिया। मुरली विजय और निकिता अब 3 बच्चों के माता पिता है। निकिता को तलाक देने के बाद दिनेश कार्तिक 2015 में भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल से मिले। दीपिका क्रिकेटरों से सख्त नफरत करती थी और उनका मानना था कि जिस तरह का फेम और लाइमलाइट उन्हें मिलती है, वो अन्य खिलाड़ियों पर भारी पड़ती है। हालांकि कार्तिक से कुछ मुलाकातों के बाद वो गलत साबित हुई और दोनों में प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। अगस्त 2015 में दोनों की शादी हो गई और 28 अक्टूबर 2021 को दीपिका और दिनेश को प्यारे से ट्विन बेबीज हो गए। जुड़े रहिए ऐसे ही लव स्टोरीज के लिए।